हाय गाइस, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टेलीकॉम पर। तो उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ ऐसी वीडियो जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। वीडियो ये है कि आप लोग जो सिम कार्ड चलाते हो, क्या आपको पता है वो आपके नाम पर है या नहीं है? अगर आपके नाम पर नहीं है तो आपको उसको कराना होगा अपने नाम पर। बहुत सारे मेरे भाई इस बात को लेकर परेशान हो जाते हैं कि वो पहले सिम कार्ड चलाते रहते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि सिम कार्ड किसके नाम पर है। सडनली जब उनके साथ ऐसा होता है कि किसी केस में उनका सिम कार्ड हो गया बंद, फिर उनको याद आता है कि ये मुझे सिम कार्ड चाहिए दोबारा से। बट जब उसको वो निकलवाने जाते हैं स्वैप कराने, तब उनको पता लगता है ये सिम कार्ड तो उनके नाम पर है ही नहीं और ये सिम कार्ड अब उनको नहीं मिल पाएगा। ये सारी प्रॉब्लम से आप भी बचने के लिए अभी ये चेक कर लीजिए कि आपका सिम कार्ड आपके नाम पर है या नहीं है। इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा, अगर आप जियो, वोडाफोन, आइडिया या एयरटेल के कस्टमर हैं तो आपको ये बात कैसे चेक करनी है कि आपका सिम कार्ड आपके नाम पर है या किसी अदर बंदे के नाम पर है। तो समय ना लेते हुए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जियो की। अगर आप जियो का सिम कार्ड यूज करते हैं तब आपको ये कैसे चेक करना है कि जियो का सिम कार्ड किसके नाम पर है। तो उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप इंस्टॉल करना है, माई जियो, और उसमें इंस्टॉल करने के बाद अपना नंबर कर लेना है लॉगिन। आप जैसे ही उसमें अपना नंबर लॉगिन करेंगे, नीचे की साइड में 3 लाइन का एक सिंबल आएगा, आप उसको कर दीजिए क्लिक। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऊपर आपका नाम उस पर लिख करके आ जाएगा, जिसके भी नाम पर सिम कार्ड होगा उसका नाम वहां पर लिख करके आ जाएगा। अब बात करते हैं अगर आप एयरटेल के कस्टमर हैं तो आपको अपना एयरटेल का सिम कार्ड कैसे पता करना है किसके नाम पर है। तो उसके लिए आपको सिंपली प्ले स्टोर से एक ऐप्स डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है एयरटेल थैंक्स। आप उस ऐप्स को जैसे ही डाउनलोड करेंगे आप उसको उसमें अपना एयरटेल का नंबर एंटर करिए, ओटीपी आएगा। उसके बाद उसमें एंटर होने के बाद इंटरफेस में एक ऊपर की साइड लोगो आएगा प्रोफाइल का, आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जो पेज शो होगा उसमें सबसे ऊपर आपका नाम शो हो जाएगा जिसके नाम पर सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। अब बात करते हैं वोडाफोन आइडिया की। अगर आप वोडाफोन आइडिया बी कंपनी के कस्टमर हैं, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करना है वी, उसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वी आई का जो ऐप आता है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप अपना नंबर एंटर करेंगे, जैसे ही एंटर करेंगे तो उसके भी ऊपर की साइड में आपका नाम शो हो जाएगा। उसमें आपको कहीं भी क्लिक करने की जरूरत नहीं है, उसके फ्रंट में सबसे पहले आपका नाम ही शो होगा। अब यहाँ से आपने अगर अपना ये सब चेक कर लिया है और आपके नाम पर सिम कार्ड नहीं है तो उसको करा लीजिए बहुत जल्द से जल्द अपने नाम पर, क्योंकि आप कभी ना कभी किसी ना किसी प्रॉब्लम में ऐसे फंसेंगे कि उस वक्त आपको चैलेंज आएगा सिम कार्ड अपने नाम पे कराने में। तो इसके लिए मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी वीडियो डाल दी है, आप चैनल जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सिंपल तरीके से सिम कार्ड की आईडी कैसे चेंज करनी है मेरे चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएंगी। आप वहाँ से वीडियो देखिए और सिम कार्ड कराइए अपने नाम पर। बस ये थी छोटी सी जानकारी, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो कर दीजिए लाइक। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।